यमुनानगर का। यमुनानगर में मोनू नाम के एक युवक की हत्या की गई है। तलवारों और लाठी डंडों से इस युवक पर हमला किया गया था। पुरानी रंजिश मानी जा रही है इस पूरी वारदात की वजह। आपको बता दें यमुनानगर के बैंक कॉलोनी की पूरी घटना है। पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन हौसले बुलंद है बदमाशों के। इसकी मांगी एक बार फिर से देखने को मिली है यमुनानगर में। हालांकि पुलिस दावे कर रही है आरोपियों को पकड़ने के लिए, लेकिन देर रात की पूरी घटना है और अब तक पुलिस के हाथ खाली है। रजनी सोनी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई है। रजनी, पूरा मामला बताइए। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यमुनानगर के बैंक कॉलोनी का ये मामला है, जहां पर मोनू नाम के एक व्यक्ति की कल तेज धार हथियारों से हत्या कर दी गई। और परिवार वालों ने बताया कि ये हत्या जो थी पुरानी रंजिश की वजह से की गई थी, और इनका जो झगड़ा था ये काफी पुराना चल रहा था। और कल भी 30 से 35 लड़के जो थे मोनू के घर में घुसे और अचानक उन्होंने हमला कर दिया। आकर उसमें मोनू की जो थी वो बुरी तरह से घायल हो गया, जिसको अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। उसमें मोनू के फादर और एक अन्य व्यक्ति जो है वो बुरी तरह से घायल हुआ है, जिनका उपचार जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि इसमें जो है शिकायत दर्ज कर ली गई है और आरोपियों की जो है वो तलाश जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात साफ तौर पर जाहिर है कि जैसे यमुनानगर में क्राइम बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से तो यही लगता है कि पुलिस का डर जो है बदमाशों के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहा है। जी बिल्कुल, चलिए शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।